दोस्तों, आप सभी ने कभी ना कभी मखाना देखा होगा और खाया होगा, तो आप ये भी जरूर जानते होंगे कि ये कितना हेल्दी और हल्का ड्राई फ्रूट होता है, जिसे आप नियमित रूप से अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। इसकी इसी खासियत के कारण मखाने का सेवन भारत के साथ लगभग पूरी दुनिया में एक ताकतवर खुराक के रूप में किया जाता है। दुनिया का लगभग 90% मखाना भारत में पैदा किया जाता है और उसका भी 80% अकेले बिहार में पैदा होता है। लेकिन क्या आपने कभी मखाने को बनते हुए देखा है? क्योंकि ज्यादातर लोग नहीं जानते कि मखाना आखिर बनता कैसे है। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि मखाना कैसे बनता है। मखाना बनने की पूरी जानकारी, मखाने की खेती से लेकर मखाना तैयार होने तक हर प्रोसेस को दिखाने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि वीडियो के अंत में हम आपको मखाने से होने वाले कुछ ऐसे हेल्थ बेनिफिट्स बताएंगे जो शायद ही आप जानते होंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपको बता दें कि मखाने की खेती किसी खेत या जमीन पर नहीं की जाती, बल्कि मखाने की खेती तालाब में की जाती है। मखाने की बुआई से पहले अक्टूबर नवंबर के महीने में तालाब से जलकुंभी और अन्य खरपतवार को निकाला जाता है, और फिर दिसंबर से जनवरी तक कुछ इस तरह तालाब में मखाने की बीज की बुआई की जाती है। यह बीज कुछ इस प्रकार का दिखता है, काला और भूरे रंग का। मखाने की बुआई के कुछ दिन बीत जाने के बाद जनवरी से फरवरी माह के बीच इसके छोटे छोटे पत्ते निकलने लगते हैं, और अप्रैल से मई महीने तक पूरा तालाब इन गोलाकार और कांटेदार पत्तों से भर जाता है, और इसकी जड़ें भी काफी लंबी और रेशेदार हो जाती हैं, जो तालाब में नीचे तलहटी पर चली जाती हैं। उसके बाद अप्रैल महीने के अंत तक इसके छोटे छोटे फूल भी आना शुरू हो जाते हैं, और मई महीने के पहले सप्ताह में ये फूल काफी संख्या में आने लगते हैं। यह फूल बैंगनी रंग का होता है, जो कि काफी खूबसूरत दिखता है। अब मई महीने के अंत से फल भी आना शुरू हो जाते हैं। मखाना का फल स्पंजी और कटीला होता है, और इसमें बीज की बात करें तो औसतन एक फल में 70 से 110 बीज होते हैं, और यही बीज आगे चलकर मखाना बनने वाला है। जुलाई के महीने तक मखाने का फल तैयार हो चुका है, इसलिए यह पानी के अंदर ही फटने लगता है, जिससे इसका बीज पानी पर तैरने लगता है, और इस बीज के चारों तरफ हल्के गुलाबी रंग का ऐसा कवर होता है, और जब एक दो दिन बाद गुलाबी रंग का कवर गल जाने के बाद सफेद हो जाता है, तब यह बीज तालाब के अंदर तलहटी पर बैठ जाते हैं, और अगस्त सितंबर माह में मखाने के पत्ते भी गलना शुरू हो जाते हैं, जिसके बाद तालाब से उन पत्तों की सफाई कर ली जाती है, और मखाने के जो बीज पानी के अंदर बैठ गए थे, अब उन्हें बाहर निकाला जाएगा, जिसके लिए यह किसान लकड़ी से बनी इस बड़ी सी छलनी नुमा टोकरी, जिसे यहाँ की भाषा में गांजी कहा जाता है, उसकी मदद से कुछ लोग इस तरह के पानी के अंदर से मखाने के बीज को निकालते हैं। सच में हमारे किसान भाई बहुत कड़ी मेहनत से इस काम को करते हैं, और अब जब सारे बीज निकल चुके हैं, इसे कुछ इस तरह पैरों से मसल कर बीजों की सफाई की जाती है, जिससे बीज के ऊपर का कवर निकल जाता है, और फिर इन बीज को पानी से साफ कर लेते हैं। बाद में इन्हें बोरों में भरकर इसके अगले प्रोसेस के लिए तैयार किया जाता है। इसके लिए इन सभी मखाने के बीजों को धूप में अच्छी तरह सुखा लेते हैं, और फिर खास प्रकार की छलनी से छानकर अलग अलग आकार वाले बीजों को अलग किया जाता है, और फिर इन बीजों को अच्छी तरह फैलाकर धूप में सुखाया जाता है, जिससे इसका रंग काले से गहरे लाल रंग में बदल जाता है। उसके बाद इन बीजों को उसी दिन बिना बालू के मिट्टी के कढ़ाई में भुना जाता है, और भुनाई के बाद इन बीजों को टोकरियों में ठंडे छायादार जमीन पर कुछ दिनों तक रखा जाता है, जिससे बीज के कड़े छिलके और अंदर का मुलायम लावा ढीला पड़ जाता है। अब थोड़ा थोड़ा करके इन बीजों को कढ़ाई में भूना जाता है। आपको बता दें कि बीज को भूनने के लिए 4 मिट्टी और 1 लोहे की कढ़ाई की जरूरत पड़ती है। भूनते समय लोहे की कढ़ाई से बीज के द्वारा खटपट की आवाज आने पर इन बीज को कढ़ाई से निकालकर लकड़ी के पीठे पर रखकर लकड़ी से बने थापी से मारकर फोड़ा जाता है, जिससे छिलका टूटकर अलग हो जाता है, और काफी गर्म होने के कारण बीज लावा के रूप में फूटकर बाहर छिटक जाता है, और यही लावा मखाना बन जाता है। अब मखाने की पॉलिशिंग और इसे अच्छे तरीके से छिलका अलग करने के लिए इस मखाने के लावा को इस मशीन में डाला जाता है, जिससे निकलने के बाद एकदम दूधिया सफेद मखाना तैयार हो जाता है, और फिर इन सभी को पैकेट में भरकर पैक कर देते हैं। तो अब आप जान गए होंगे कि कैसे तैयार होता है आपका पावरफुल मखाना। अब बात करते हैं मखाना खाने से होने वाले शानदार हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि आज जहां हर तरफ जहरीला फर्टिलाइजर उपयोग में लिया जाता है, वहीं मखाना एकदम ऑर्गेनिक तरीके से उगाया जाता है, जो इसे और भी पावरफुल बना देता है। इसलिए आप इसे बच्चों और गर्भवती महिलाओं को भी खिला सकते हैं। मखाना आपकी डाइट में कैल्शियम, प्रोटीन और फाइबर
फाइबर का शानदार स्रोत होता है। इसकी तासीर ठंडी होने के बावजूद इसे हर मौसम में खाया जा सकता है। मखाना डायबिटीज को कंट्रोल करने के साथ ही दिल के मरीजों के लिए भी विशेष लाभकारी होता है। ये आसानी से पचने वाला होता है, इसलिए इसे बच्चे और बुजुर्ग दोनों समान रूप से उपयोग में ले सकते हैं। बुजुर्गों में होने वाले जोड़ों के दर्द, किडनी, मेंटल स्ट्रेस और डिप्रेशन जैसे रोगों में भी इसका सेवन बहुत लाभकारी होता है। दोस्तों, हमें इतनी जानकारी इकट्ठा करने में काफी मेहनत लगती है। आशा करता हूँ आप वीडियो को लाइक जरूर करेंगे और अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए हमें कमेंट में जरूर बताएं। हम उस पर वीडियो अवश्य बनाएंगे और आगे ऐसे ही जानकारी से भरी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। धन्यवाद। जय हिंद।